कहानी शुरू होती है और एक लेडी भागते हुए एक दुकान पर आती है। इसका नाम बी होता है और यह दुकान को धोने के लिए आई होती है। बी उस दुकान में वॉशरूम के बारे में पूछती है, मगर दुकान के हिसाब से बस कस्टमर ही उस वॉशरूम को यूज कर सकते थे। अंदर कस्टमर की लंबी लाइन लगी होती है, इसलिए वह स्टाफ के लोगों से रिक्वेस्ट करने लगती है, पर स्टाफ वाली तो नहीं मानती है। वह कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, रूल तो आपको फॉलो ही करना होगा। वही एक हैंडसम लाइन में लगा हुआ था जिसका नाम बेन था। वह बी को मदद करने के लिए उसे अपनी वाइफ बताता है। बी इस हैंडसम से काफी इम्प्रेस होती है और कॉफी ऑर्डर करती है। इसके बाद बी एक कॉफी बेन को देकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। अंदर बी का फोन आ जाता है और वह फोन पर बात करने लगती है और वह इसे सुखाने लगती है, जिसमें काफी देरी हो जाती है। बी जब बाहर आती है तो बेन उसे डेट के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों बाहर आकर साथ में चलने लगते हैं। ये दोनों फिर रात में डिनर करते हैं और साथ में सोने को चले जाते हैं, जहां वे रात का आनंद उठाते हैं। सुबह बी की नींद खुलती है और उसे बहुत ही अजीब लगता है और वह बेन को बिना बताए वहां से चली जाती है। बेन जब उठता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। तभी वहां उसका दोस्त पेलूचंद यानी पीट आ जाता है और वहां पर वह रात का खाना देखता है और कहता है कि अरे वाह, तुमने तो कभी खाना नहीं बनाया, पर आज कैसे खाना बना लिए। और उसे यही पता चल जाता है कि कल रात उसके घर में एक सुंदरी आई हुई थी और पेलूचंद उसका मजा लेने लगता है। तभी बेन कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, और कहता है कि वो सुंदरी फालतू है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब ये बात पीछे से बी सुन रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। अब 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। बेन और पेलूचंद एक क्लब में गए होते हैं। वहां पर पेलूचंद की बहन फ्लोरिया भी आई होती है, जो बी की बहन निया के साथ होती है। यहां पर बी भी आई होती है। बेन और बी उस रात वाली घटना को लेकर कहा सुनी कर लेते हैं, जिसके कारण ये दोनों दूर से देखने लगते हैं। बी कहती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। बेन कहता है कि अच्छा तो तुम शादी कर रही हो। बी कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हें मैं इनवाइट करूंगी। फिर ये दोनों मिलकर निया के मॉम डैड के साथ एक शादी एंजॉय वीडियो बनाते हैं, जो ये लोग ऑस्ट्रेलिया में शादी करने वाले थे। इसके बाद बी ऑस्ट्रेलिया के फ्लाइट पर निकल जाती है। यहां उसी फ्लाइट से बेन भी जा रहा होता है। बेन उसको देख लेता है और उसके पास चला आता है। बेन कहता है देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों एक ही फ्लाइट पर एक ही जगह पर जा रहे हैं, और उसको उसके ब्रेकअप के बारे में पूछने लगता है। बी कहती है चले जाओ वरना ठीक नहीं होगा। फिर बेन उसके लिए कुछ खाना मंगाने के लिए बोलता है, पर बी मना कर देती है। रात में बी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाने लगती है और उसके पहले कोई और ही वॉशरूम में चला जाता है। तभी वो बेन को देखती है जो सो रहा होता है, उसके बगल में एक खाना रखा होता है। बी उस खाने को उठाकर खाने लगती है। तभी उसका ड्रेस बेन के सीट में फंस जाता है। वह अपने फंसे हुए ड्रेस को निकालने की बहुत कोशिश करती है, अपना ड्रेस तो उतार देती है, पर बेन के करीब आ जाती है। दूसरे दिन पीट इन सबको लेने के लिए आता है और पेलूचंद यानी पीट भाई साहब कहते हैं कि सब लोग शादी तक एक ही घर में साथ में रहेंगे। ये बात दोनों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की हमेशा मारना चाहते थे। अब ये लोग घर पर पहुंच जाते हैं। पेलूचंद इन दोनों को निया और फ्लोरिया से मिलवाता है और ये सभी समुन्द्र किनारे घूमने चले जाते हैं। बी और निया अपना ड्रेस उतार कर तैरने चली जाती है। अब फ्लोरिया बेन को बताती है कि यहाँ पर मार्गन भी आई हुई है, गर्लफ्रेंड थी। अब बेन उससे मिलने के लिए जाता है। मार्गन भी अपने ड्रेस को पहनते हुए दिखाई देती है और यहाँ दोनों एक दूसरे के गले लगकर आपस में उन पुरानी यादों को डिस्कस करने लगते हैं। इधर बी निया के शादी को लेकर सपोर्ट करती है। तभी बी बेन को मार्गन के साथ देख लेती है। निया बताती है कि वह बेन की पहले वाली गर्लफ्रेंड है। तब बी कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं है। इतना कह के बी वहां से चली जाती है। इधर बेन और मार्गन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर ब्यू यानी लंडास आता है। दरअसल लंडास मार्गन का वर्तमान बॉयफ्रेंड होता है। लंडास को मार्गन बेन से मिलाती है। इसके बाद लंडास बेन को डिनर पर इनवाइट करता है। दूसरी तरफ बी लैपटॉप पे कुछ देख रही होती है। तभी वहां पर उसके मॉम डैड आ जाते हैं और बातों बातों में उसे जोनाथन से शादी करने के लिए कहते हैं। ये जोनाथन वही था जो पहले से बी ने उसे ब्रेकअप किया हुआ था। अब बी का मूड ऑफ हो जाता है और वॉशरूम में आकर रोने लगती है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, डिनर के लिए तैयारी कर लो बी। ठीक है, बोलती है और खुश हो जाती है। इधर बेन अपने फोन में फोटो देख रहा था, उसे भी कोई डिनर को याद दिलाता है। अब वे दोनों अपने अपने कमरे से डिनर के लिए निकलते हैं। इनकी मुलाकात हो जाती है, ये साथ में डिनर के लिए आते हैं। वहां पर सारे लोग मौजूद होते हैं। फिर बी के मॉम डैड कुछ स्पीच देते हैं और स्पीच खत्म होने के बाद सभी लोग खाने पर टूट जाते हैं। अब फ्लोरिया बेन के पैंट पर कुछ स्प्रे करती है और बी को भी स्प्रे करती है और कहती है जरा शांत रहना। फिर इनका एक बकवास गेम शुरू हो जाता है। अब गेम खेलते हुए बी और बेन की फाइट हो जाती है। इसके बाद बी के हाथ से रॉकेट छूट जाता है और रॉकेट से दूसरी जगह एक बॉल पर आग लग जाता है। निया की बॉल जल जाता है। अब आग बुझाने के लिए मार्गन अपना ड्रेस उतार देती है और आग बुझाने लगती है। इसके लिए सब लोग मार्गन से नाराज हो जाते हैं और फ्लोरिया के मॉम डैड मिलकर इनसे बात करते हैं कि अगर बी और बेन को एक साथ मिला दे तो शादी में कोई परेशानी नहीं आएगी। ये सभी प्लान करके अगले दिन काम में लग जाते हैं। बेन नहाने जा रहा होता है और तभी फ्लोरिया के पापा पेलूचंद से बात करते हैं। वो कहते हैं बी बेन से बहुत प्यार करती है, लेकिन वो चाहते हैं कि बी ये बात खुद ही बेन को आकर बताए। इसी तरह फ्लोरिया और निया भी मिलकर बी के पास जाते हैं।
है और उसे बेन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तभी वहाँ बेन आता है। इसे देखकर फ्लोरिया और निया छुप जाते हैं। बी कहती है कि ओ तुम्हें भी उन दोनों ने बेवकूफ बनाया है। बेन उसको फ्लोरिया के पापा और पेलूचंद के बारे में बताता है और उन दोनों को पता चल जाता है कि ये सब उनका बनाया हुआ एक प्लान है और हम दोनों को मिलाना चाहते हैं ताकि उनके शादी में कोई रुकावट न हो। तभी वहाँ पर फ्लोरिया की मॉम आती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल ने बोट पर अपना चश्मा भूल आए है, तुम दोनों जाकर उसे ले आओ। मॉम उन्हें इसलिए भेजती है ताकि उनके बीच में कुछ हो जाए। फिर ये दोनों तैरते हुए जाने लगते हैं। बेन ज्यादा देर तक तैर नहीं सकता था, वह बीच में पहुंचने के बाद हांफने लगता है। बी कहती है कि तुम इतने कमजोर नहीं हो। बेन कहता है मैं कमजोर नहीं हूं, बस मेरा सांस अटक जाता है। अब बी उसे उस बोट के पास लेकर आती है और वहां से चश्मा को उठा लेते हैं। उधर बीच के किनारे बी की मॉम जोनाथन को लेकर आ जाती है जिससे बी का ब्रेकअप हुआ था। बी अब बेन से कहती है कि इतने लोग हमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें मिलकर एक होने का नाटक करना चाहिए, इससे मेरी भी हेल्प होगी और तुम्हारा भी काम बन जाएगा। बेन भी मान जाता है क्योंकि वो भी मार्गेन को जलाना चाहता था। फिर बी बेन के करीब आती है। इसके बाद वह पानी में कूद जाती है और बेन भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब सब लोग घूमने के लिए प्लान बना रहे होते हैं। अब बी और बेन भी एक दूसरे के करीब होने का नाटक करने लगते हैं। अब जोनाथन वहां पर आकर बताता है कि बी के पापा ने उसे इनवाइट किया है और वह अचानक से यहां आया हुआ है। वह उन सबसे मिलता है। बी यहां उसे बेन से मिलवाती है। बेन कहता है मैं बी का दोस्त हूं, वो भी करीबी दोस्त हूं। इस बात पर जोनाथन खामोश हो जाता है। अब जाते जाते बी बेन से कहती है कि तुम सच में गजब की एक्टिंग करते हो। बी की माँ बी से कहती है कि तुम्हें जोनाथन के साथ कुछ पल बिता लेना चाहिए, शायद उसका मन हल्का हो जाए। पर बी कहती है कोई बात नहीं, पर मैं अब बेन के साथ हूँ, और जाते हुए जोनाथन से पूछती है कि क्या वह उसके साथ आ रहा है, पर जोनाथन उसे मना कर देता है। फिर ये लोग घूमने निकल जाते हैं और रास्ते में बेन और बी बात करते हुए जा रहे होते हैं। बेन कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सभी को लगे कि हम और तुम एक साथ है। अब ये लोग उस टॉप पर पहुंचकर नजारा देखने लगते हैं। तभी बी और बेन रोमांटिक होने का नाटक करते हैं ताकि दूसरे लोग देख ले और उन्हें यकीन हो जाए कि ये लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर जैसे ही ये दोनों उन सबको देखते हैं तो सब लोग दूसरे जानवर को देखने में व्यस्त होते हैं। तभी बी को बेन की चड्डी पर मकरी दिखती है। अब बेन काफी डर जाता है और सारा ड्रेस उतार देता है। इधर बी के पिताजी स्विमिंग सीख रहे होते हैं। तभी बेन वहां आता है और उन्हें स्विमिंग सिखाने को बोलता है क्योंकि उसने अपनी माँ से स्विंग करना सीखा था। अब बेन स्विमिंग सीखा रहा होता है। तभी यहां पर बी भी आ जाती है और कहती है वह और बेन काफी खुश है, हम दोनों एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये दोनों दूसरी तरफ चले जाते हैं। अब बी उसे नहाने के लिए बोलती है। बेन नहाने चला जाता है। दूसरी तरफ जोनाथन बी को चेस खेलने को बोलता है। दोनों बात करते हुए खेलने लगते हैं। बी की मॉम डैड इसे देखकर खुश हो जाते हैं। बेन भी ये देखकर अपने रूम में जाने लगता है। तभी मार्गेन उसे बुलाती है और उसे काफी पिलाती है, फिर उसके और बी के बारे में बात करती है। इसके बाद बेन बी के रूम में आता है और बोलता है हमें ये नाटक और भी अच्छी तरह से करना होगा। अब शाम को सब लोग पार्टी के लिए निकलते हैं। मार्गेन बेन की कार पर आकर बैठ जाती है और ये सभी पार्टी के स्थान पर पहुंच जाते हैं। सब लोग शिप में जाने लगते हैं, पर बेन बी को उतारने के लिए रुक जाता है और उतारते वक्त बॉडी टच कर देता है। अब इस सीन को सब लोग देख रहे होते हैं। शिप पर पहुंचकर सभी लोग पार्टी मनाने लगते हैं। मार्गेन बेन के पास आती है और कहती है कि हम दोनों का ब्रेकअप कैसे हुआ, हम लोग बहुत मस्ती किया करते थे, मुझे आज भी पानी पिलाने वाली रात याद है। बेन मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या करे, मेरा काम ही ऐसा है जो एक ही बार में याद रह जाता है। फिर सारे लोग डांस करते हैं। इसके बाद बेन और बी भी डांस करते हैं। फिर ये दोनों नीचे जाकर एक पोज करते हुए दिखाते हैं। सभी लोग वाह वाह करते हैं। इन्हें देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर मार्गेन और जोनाथन खुश नहीं होते हैं। अब सारे लोग वापस से पार्टी में चले जाते हैं। तभी बी का पैर फिसल जाता है और वह पानी में गिर जाती है। अब बेन उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। बी कहती है तुम क्यों पानी में कूदे, तुम तो पानी में हांफने लगते हो। बेन कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके बाद ये लोग एक रेस्क्यू नाव में सवार हो जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगते हैं। इसके बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर से पहुँच जाती है और नीचे एक रस्सी फेंक देती है। दोनों इसमें लटक जाते हैं। बेन को ऊंचाई से डर लग रहा था। तब बी उसे शांत करने के लिए गाना गाने लगती है। बेन भी उसके साथ गाना गाने लगता है। दोनों घर पर आ जाते हैं और डिनर करते हैं और मूड बनाते हैं। फिर ये दोनों प्यार करते हैं। सुबह जब लोग इनको आवाज लगाते हैं तो बेन उठकर वहां से चला जाता है। अब बी के मॉम डैड कांच से हाथ का निशान साफ कर रहे थे। बेन और पेलूचंद कुछ सामान के लिए बाजार जाते हैं। पेलूचंद बेन से कहता है कि बी से प्यार कर लो। बेन कहता है कि बी एक अच्छी लाइफ जी रही है, इसलिए उसे मैं अपना नहीं सकता। दूसरी तरफ मार्गेन और बी एक शॉप पर होते हैं। मार्गेन कहती है कि तुम और बेन एक दूसरे से प्यार करते हो क्या, पर बी उसे साफ मना कर देती है। अब ये दोनों घर पहुंचती है। बी के मॉम डैड बी पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने बेन के साथ कुछ किया था। अब बी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि बेन और मेरे बीच बस एक नाटक था, और वह बेन को अनाप शनाप बोलने लगती है। इसी दौरान एक कुत्ता केक को खींच लेता है और केक खराब हो जाता है। ये देखकर फ्लोरिया गुस्सा
हो जाती है। अब सब लोग अंदर चले जाते हैं। इधर निया और फ्लोरिया भी कहां सुनी कर रहे होते हैं। ये सब बेन देख लेता है, इसलिए वह बी के पास जाता है और आखिरी बार ड्रामा करने को बोलता है। सारे लोग शादी के लिए निकल जाते हैं। अब बेन और बी इन दोनों से माफी मांगते हैं और कहते हैं आज हम दोनों फाइट नहीं करेंगे। अब शादी के दौरान बी बेन को प्यार भरी नजरों से निहारती है। अब डांस शुरू होता है और मॉर्गन बेन के साथ डांस करने लगती है और डांस करते हुए उसे किस करती है, जिसे बी देख लेती है और दुखी हो जाती है। निया और फ्लोरिया उसे दुखी देखकर अकेले ड्राइव पर जाने की सलाह देती है। अब बी वहां से चली जाती है। इधर बेन भी दुखी हो जाता है। फिर बेन को सुनाने के लिए बी के पापा बोलते हैं कि बी बेन से प्यार करती है। अब बेन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब नाटक है। इस पे बी के पापा कहते हैं कि तुम्हें बी से प्यार हो गया है और तुम उसे स्वीकार नहीं रहे हो। अब बेन कहता है कि मैं अब क्या करूं। फ्लोरिया कहती है कि वह अकेले में रोना चाहती थी, इसलिए हमने उसे भेज दिया। अब बी के पापा भी बेन को उसे मनाने के लिए बोलते हैं। फिर बेन जोनाथन की कॉफी पीकर रेस्क्यू टीम को बुलाता है और समुन्द्र में कूद जाता है। इधर बी बहुत दुखी हो रही थी। अब रेस्क्यू टीम वाले बेन को बचा लेते हैं। तब बेन उनसे कहता है कि मुझे वाटर पार्क ले चलो। बी हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर खुश हो जाती है। अब बेन भी यहाँ पहुँच जाता है और पागल होकर दौड़ने लगता है। वह बी के पास जाकर माफी मांगता है। फिर दोनों किस करते हैं और पार्टी में भी किस करते हैं। अब दोनों बहुत खुश है और एक दूसरे के साथ रहने का फैसला करते हैं। इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा।